बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम किसान भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वजीर आज़म इमरान खान और पंजाब हुकूमत का खादों पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान और किसानों को सब्सिडी जो है वो शफाफ तरीके से दी जाएगी। किसान कार्ड बहुत जल्द इंशाल्लाह किसानों को मिलने वाला है। किसान कार्ड जो है वो एटीएम कार्ड की तरह का होगा, जिस तरह हम एटीएम कार्ड की तरह बैंक से रकम निकलवाते हैं, इस तरह किसानों को कार्ड दिया जाएगा। किसान अपनी रकम जो है शफाफ तरीके से वसूल कर सकेंगे। जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड होगा और उसके नाम पर जमीन होना लाजमी होगी, उसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस तरीके से सब्सिडी जो है वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसानों को शफाफ तरीके से सब्सिडी मुहैया की जाए। महकमा ज़राअत तौसी का बहुत बड़ा फैसला, खादों के रेट बढ़ने की वजह से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देने का ऐलान किया है और DAP NP तमाम खादों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। DAP पर पहले 500 रुपये वसूल करते थे, अब जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द 1000 रुपये DAP सब्सिडी पे हो जाएगा और खाद पर वोचर जो होगा वो 1000 रुपये की तरह का होगा। इसी तरह NP और पोटाश की भी सब्सिडी जो है वो बढ़ाने का गवर्नमेंट ने फैसला किया है। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि काश्तकारों को सब्सिडी फराहम करना हुकूमत का फर्ज है। किसान भाई खुशहाल होगा तो इंशाल्लाह मुल्क खुशहाल होगा। मजीद वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का DAP और पोटाश की कीमत कम से कम करने का भी फैसला किया है। गवर्नमेंट ने खादों के रेट भी कम करने का वादा किया है और इंशाल्लाह किसानों को सब्सिडी जो है वो डबल दी जाएगी। पहले हम 500 रुपये वसूल करते थे, अब इंशाल्लाह 1000 रुपये और NP और पोटाश पर भी सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया जी। एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी तो इससे जो है DAP की और पोटाश की जो है कीमत जो है वो कंट्रोल की जाएगी और ज़िम्मेदार चूँकि जो फास्फोरस है पोटाश है इसके बगैर जो है पैदावार जो है मुख्तलिफ क्राप्स की नहीं बढ़ सकती जब तक हम उसका मुतवाजन खातों का इस्तेमाल नहीं करते। अब्दुल रहमान आपका हमें अपडेट कर रहे थे।